हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 11th में आपका चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आज हम उस चैप्टर का रिविजन करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और रिवाइज करेंगे चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो पुष्पीय पौधों की मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है ना। पुष्पीय पौधों की मॉर्फोलॉजी में क्या क्या है, आप सबको पता है कि फूलों के पौधों के कई भाग होते हैं, है ना, जिसमें दो अलग अलग मुख्य भाग माने गए हैं। पहला तो आपका होता है बच्चों भूमिगत भाग, जिसे आप रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं, आपका भूमिगत भाग कहलाता है। जो भूमि के अंदर होता है भाग, वो भाग आपका भूमिगत भाग कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पौधा है तो पौधे की जो जड़ें हैं वो भूमि के नीचे होती हैं, उसको हम रूट कहते हैं। और रूट सिस्टम होता है पूरा, यानी कि एक प्रकार का जड़ तंत्र होता है। और जमीन से ऊपर पाई जाने वाली जो भाग है पौधे का, वो क्या कहलाता है, शूट सिस्टम कहलाता है या प्ररोह तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, रूट सिस्टम को हम जड़ तंत्र कहते हैं और शूट सिस्टम को हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि फूलों के पौधों के जो दो मुख्य भाग हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो जमीन से नीचे का भाग और दूसरा जमीन से ऊपर का भाग। जमीन से नीचे का भाग आपका जड़ तंत्र कहलाता है और जमीन से ऊपर का भाग आपका प्ररोह तंत्र कहलाता है। तो रूट सिस्टम होता है भूमिगत भाग और शूट सिस्टम होता है जमीन के ऊपर, ठीक है। जो भी एंजियोस्पर्म्स आपको इस चैप्टर में फूल, जिन भी पौधों में फूल होते हैं, फूलों वाले पौधे, वो आपके एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें फूल लगे हुए होते हैं, उनकी पहचान जो है किस रूप में होती है, उस पौधे में जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, फल पाया जाता है, फूल पाया जाता है और पत्तियां पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्म्स या फूल वाले पौधों की पहचान जड़, फल, फूल, तने तथा पत्तियों की उपस्थिति से होती है। जड़ सबसे पहला भाग है पौधे का, जड़। हम जड़ के बारे में बात करेंगे। जड़ क्या होती है, जड़ जो है वो एम्ब्रियो के रेडिकल से निर्मित भूमिगत भाग है। जड़ कैसी है, वो जो आपका एम्ब्रियो है, भ्रूण के मूलांकुर से निर्मित भूमिगत भाग होता है, यानी कि मूलांकुर से निर्मित भूमिगत भाग होता है और उसी से जो है जड़ बनती है, ठीक है। जड़ कैसी होती है, जैसे अगर हम एक बीज की बात करें, यदि एक हम बीज की बात करें तो बीज में देखिए, जब बीज के अंकुरण के समय, जर्मिनेशन के समय आप इसको देख सकते हैं, इसमें से छोटा सा एक अंकुर निकलता है और वो छोटा सा अंकुर धीरे 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 क्या करता है, ग्रोथ करता है। दो भाग इसी जड़ के अंदर, दो भाग इसी जो बीज है, इसी बीज के अंदर ही दो भाग मौजूद होते हैं, जिसमें से एक भाग जिसको हम मूलांकुर कहते हैं या रेडिकल कहते हैं, वो जब थोड़ा सा ग्रो करने लगता है तो रेडिकल से ही जड़ तंत्र का निर्माण हो जाता है। और ये कैसा है, ये एक भूमिगत भाग है, ठीक है। इसके बाद बच्चों, जड़ें तीन प्रकार की होती हैं, संरचनाओं के आधार पर जड़ें तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी बच्चों मूसला जड़, दूसरे प्रकार की जड़ होती है आपकी रेशेदार जड़, और तीसरे प्रकार की जड़ होती है आपकी अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ जिसे आप टैप रूट कहते हैं, रेशेदार जड़ जिसे आप फाइब्रस रूट कहते हैं, और अपस्थानिक जड़ जिसे आप एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से जानते हैं। जड़ों के प्रकार के बारे में पढ़ते समय आपको स्क्रीन पर कुछ सब्जियां दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें आपको जड़ भी
दिखाई पड़ रही है। इस जड़ में देखेंगे जड़ों के प्रकार में, पहले हम मूसला जड़ तंत्र या टैप रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी जड़ें जहां पर एक मुख्य जड़ पाई जाती है और उसकी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, उन्हें हम पार्श्व जड़ या तृतीयक जड़ कहते हैं। ऐसे जड़ तंत्र को हम मूसला जड़ प्रणाली कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, जो जड़ है वो फूल करके मोटी हो चुकी है, यानी कि उसके अंदर भोजन का स्टोरेज हो चुका है और उससे छोटी छोटी और पार्श्व जड़ें निकली हुई दिखाई पड़ रही हैं। इस प्रकार का जड़ तंत्र क्या कहलाता है? मूसला जड़ तंत्र या टैप रूट सिस्टम कहलाता है। और जो पार्श्व जड़ें, जो लैटरल जड़ें उससे छोटी छोटी जड़ों के रूप में जुड़ी होती हैं, उन्हें हम तृतीयक जड़ें भी कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की जड़ें, टैप रूट सिस्टम वाली जड़ें किसमें पाई जाती हैं? ये द्विबीजपत्री पौधों में देखी जाती हैं या डाइकोटिलीडन्स में देखी जाती हैं। मुख्य जड़ जो है वो रेडिकल से निर्मित होती है, मुख्य जड़ मूलांकुर से उत्पन्न होती है, जिसको आप क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो सरसों का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें मूसला प्रकार की जड़ पाई जाती है या टैप रूट सिस्टम उसमें पाया जाता है। ठीक है, ये सरसों की जड़ें। उसके बाद बच्चों मूसला जड़ की बात यदि करें तो मूसला जड़ जब हम देख रहे हैं, मूसला जड़ में आप स्क्रीन पर देखेंगे एक आपको जड़ तंत्र दिखाई पड़ रहा है जिसमें एक जड़ ऐसी है जो बहुत मोटी है और जमीन में नीचे की तरफ गहराई में धंसी हुई होती है। इस प्रकार की जड़ को जिसमें मुख्य जड़ एकदम अलग और बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है और उससे छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं और उन छोटी छोटी जड़ों में भी बहुत छोटे छोटे उससे भी बहुत छोटी छोटी जड़ों के रूप में ही पार्श्व जड़ें निकली होती हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका मोटा भाग जो है वो मुख्य जड़ है और उसके बाद ये आपकी पार्श्व जड़ें हैं। पार्श्व जड़ों में से भी जो छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं उनको हम तृतीयक जड़ें कहते हैं और उसके बाद उस पर जड़ों पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं या उन्हें हम जड़ों के बाल कह सकते हैं और जड़ का सिरा भी। तो जड़ के भागों में आप देख रहे हैं कि मूसला जड़ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जिसमें जड़ का सिरा पाया जाता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, पार्श्व जड़ होती है, तृतीयक जड़ होती है और मुख्य जड़ होती है। जड़ों के प्रकार में आपने मूसला जड़ के प्रकार के बारे में जाना, अब हम देखेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम या रेशेदार जड़ तंत्र के बारे में। रेशेदार जड़ तंत्र जो होती है ये मोनोकोटिलीडन्स में प्राथमिक जड़ के रूप में होती है और ये कैसी होती है? ये अल्पकालिक होती है और इसे बड़ी संख्या में जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। फाइब्रस रूट के बारे में यदि आप देखेंगे तो ये जड़ें कहाँ से निकलती हैं? ये जड़ें यानी कि रेशेदार जड़ तंत्र जो होती हैं, ये जड़ें तनों के आधार से निकलती हैं, तनों के बेस से, जहां पर तने का बेस होता है वहां से ये जड़ें निकलती हैं और रेशेदार जड़ प्रणाली बनाती हैं। यानी कि बहुत सारे रेशों की तरह बहुत सारा इसमें जड़, एक जगह से ही बहुत सारी जड़ निकलती है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो गेहूं की जड़ें जो हैं वो फाइब्रस रूट सिस्टम को शो करती हैं। ये आपको गेहूं की जड़ें दिखाई पड़ रही हैं और ये बच्चों फाइब्रस रूट सिस्टम को शो करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जड़ों के प्रकार में यदि हम देखेंगे तो आपको मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जो आपको एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे टैप रूट सिस्टम में ये आपकी मूसला जड़ है और फाइब्रस रूट में आपकी ये रेशेदार जड़ है। टैप रूट सिस्टम में आप देख क्या रहे हैं कि आपकी जो ये क्या है, ये आपको मूली दिखाई पड़ रही है, रेडिश दिखाई पड़ रही है। तो मूली क्या है? एक प्रकार की जड़ है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि एक
जड़ जो है वो मोटी हो चुकी है, भोज्य पदार्थ से फूल गई है, मोटी हो चुकी है और मुख्य जड़ के रूप में जमीन के नीचे की तरफ ये ग्रो करती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। और साइड साइड में क्या है, साइड साइड में कुछ तृतीयक जड़ें और पार्श्व जड़ें भी आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसकी जगह पे जब हम फाइब्रस रूट के बारे में देखते हैं, जब हम रेशेदार जड़ के बारे में देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जहां से तना निकला हुआ है, तने के आधार से ही वो जड़ें जो है स्कैटर्ड पूरी जमीन में बिखरी हुई दिखाई पड़ रही हैं और रेशों की तरह इधर उधर फैली हुई हैं। इसमें आपको कहीं भी कोई मुख्य जड़ टाइप की संरचना नहीं दिखाई पड़ रही है। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट में ये अंतर है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टैप रूट को आप मूसला जड़ और फाइब्रस रूट को आप रेशेदार जड़ के रूप में जानते हैं। जड़ों के प्रकार में आपको तीसरा प्रकार जो है वो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का, या जिसे आप अपस्थानिक जड़ तंत्र के रूप में जानते हैं। अपस्थानिक जड़ तंत्र जो होता है, इसमें मूलांकुर के अलावा अन्य भागों से उत्पन्न होने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ प्रणाली कहा जाता है। यानी कि मूलांकुर के अलावा पौधे में अन्य भागों से अगर कोई जड़ निकल रही है तो उसको अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम घास के जड़ों की बात करें, अगर हम मॉन्स्टेरा की बात करें और हम बरगद के पेड़ की बात करें, तो इसमें पाई जाने वाली जो जड़ प्रणाली है वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम या अपस्थानिक जड़ तंत्र के रूप में सामने आती है। आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं, जहां पे जड़ें आपको रेडिकल के अलावा पौधे के अन्य भागों से निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये आपका अपस्थानिक जड़ तंत्र का प्रणाली है। ठीक है, अब जब आपने जड़ तंत्र के बारे में जाना और जड़ तंत्र कितने प्रकार का होता है, जड़ों के प्रकार में जाना, पहले आपने पौधे में कितने भाग होते हैं वो जाना, उसके बाद आप अलग अलग भागों में जड़ और प्ररोह होता है जिसमें आपने जड़ कितने प्रकार की होती है ये जाना, और उसके बाद जड़ तीन अलग अलग प्रकार की होती है उसके बारे में जाना कि आपका मूसला जड़ तंत्र होता है, अपस्थानिक जड़ तंत्र होता है और आपका रेशेदार जड़ तंत्र भी होता है। उसके एग्जाम्पल्स को आपको लर्न करना होगा। उसके अलावा अब हमको क्या करना है, अब हमको थोड़ा सा और डीप जाना है और रूट के स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा, यानी आपको जड़ की संरचना के बारे में, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है उसके बारे में जानना होगा। तो हम क्या देखेंगे, जड़ के क्षेत्रों के बारे में, यानी जड़ में भी कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। आप का जो कह सकते हैं कि जड़ की कितने भाग होते हैं, तो जड़ में सबसे पहले पाया जाता है रूट हेयर्स, जो छोटे छोटे बालों के जैसी संरचना जड़ों के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे आपका मूली के ऊपर छोटे छोटे बाल से दिखाई पड़ते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अलग कर देते हैं खाने से पहले, वो रूट हेयर्स कहलाते हैं। उसके बाद उसमें आपका रीजन ऑफ मैच्यूरेशन होता है, यानी परिपक्वन का क्षेत्र होता है, आपको उसमें रूट कैप प्रेजेंट होता है जिसे आप मूल गोप क्षेत्र कहते हैं, आपका दीर्घीकरण का क्षेत्र प्रेजेंट होता है जिसे आप रीजन ऑफ एलोंगेशन कहते हैं, और आपका विभाज्योत की कोशिकाओं का क्षेत्र होता है जिसे आप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। ये चारों रीजन्स, पांचों रीजन्स को जानने के लिए आपको डायग्राम के माध्यम से समझना होगा कि जड़ों के क्षेत्र जो है वो कैसे होते हैं और किस किस जगह पे ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो जब आप किसी जड़ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आपको जूम करके इसमें दिखाया गया जड़ के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, हम जड़ों के क्षेत्रों के बारे में जान रहे हैं। ये जो बालों जैसी संरचना है मुख्य जड़ के ऊपर जो दिखाई पड़ रही है, ये आपका मूल रोम कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये मूल रोम कहलाती है। ठीक है, और ये जो जड़ का टिप वाला पॉइंट होता है, जो जड़ की बिल्कुल टिप वाली पॉइंट होती है बच्चों, ये टिप वाली पॉइंट मूल गोप क्षेत्र कहलाती है। टिप वाली पॉइंट क्या कहलाती है, मूल गोप क्षेत्र कहलाती है।
और उसके बाद जहां पे मैच्योरिटी वाला सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जहां पे मैच्योरेशन वाला क्षेत्र पाया जाता है, उसे आप परिपक्वन क्षेत्र के नाम से जानते हैं, परिपक्वन क्षेत्र। और उसके बाद जहां पे इलांगेशन वाला, रीजन ऑफ इलांगेशन होता है, वो आपका दीर्घीकरण का क्षेत्र कहलाता है। और ऐसे ऊतक जहां पे सेल डिवीजन हो रहा हो लगातार, जहां पे विभाजन हो रहा हो कोशिकाओं में, विभाज्योतकी कोशिकाओं का जो क्षेत्र होता है, वो आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स वाला पार्ट, वो आपका मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला पार्ट, विभाज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र कहलाता है। इसमें आप देख रहे हैं मूल गोप क्षेत्र के बारे में हम पहले सबसे पहले समझेंगे, रूट कैप जो रीजन में होता है उसके बारे में। ये क्या है? ये जड़ के शीर्ष पर आवरण है, यानी कि ये जड़ का कैप है, इसीलिए इसको हम रूट कैप कहते हैं। तो इसका क्या काम है, ये क्यों पाया जाता है? ये जड़ के कोमल शीर्ष की रक्षा करने का काम करता है। ये क्या करता है बच्चों? ये जड़ के कोमल शीर्ष की रक्षा करने का काम करता है, जिससे कि आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है सबसे बाहर की तरफ आउटर कवर पार्ट में मूलगोप क्षेत्र प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर शीर्ष विभाज्योतक कोशिकाओं का क्षेत्र होता है। उसके बाद क्या है, आपका विभाज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र आता है। विभाज्योतकी कोशिकाओं के क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये मूलगोप क्षेत्र के ठीक ऊपर मौजूद होता है, ये मूलगोप क्षेत्र के यानी रूट कैप के जस्ट ऊपर मौजूद होता है। और यहाँ कोशिकाएं कैसी होती हैं? यहाँ कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी, पतली भित्ति वाली और सघन प्रोटोप्लाज्म वाली होती हैं, यानी कि इन कोशिकाओं में विभाजन बहुत तेजी से होता है, जिससे जड़ जो है ग्रोथ कर रही होती है। तो वहां पे प्रेजेंट जो कोशिकाएं हैं उसमें जो जीव द्रव्य है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि विभाजन होने से कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर कोशिकाएं कैसी होती हैं? बहुत छोटी छोटी, पतली भित्ति वाली और सघन प्रोटोप्लाज्म वाली होती हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, क्यों इनका नाम रखा गया है विभाज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र? क्योंकि ये बार बार क्या करते हैं, विभाजित करते रहते हैं, ये बार बार विभाजित होते रहते हैं, इसीलिए ये विभाज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रीजन ऑफ इलांगेशन या दीर्घीकरण का क्षेत्र। रीजन ऑफ इलांगेशन या दीर्घीकरण का क्षेत्र आता है, और इसमें आपका विभाज्योतिक क्षेत्र के ठीक ऊपर का क्षेत्र, जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से जस्ट ऊपर वाला जो क्षेत्र है, वो आपका दीर्घीकरण का क्षेत्र या रीजन ऑफ इलांगेशन कहलाता है। रीजन ऑफ इलांगेशन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र होता है, जिसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, तेजी से बढ़ने लगती हैं, जहां पर कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं, और लंबाई में ये क्या करता है, जड़ के विकास में मदद करता है, यानी कि दीर्घीकरण का क्षेत्र है तो उस जगह पे जड़ जो है वो तेजी से लंबाई में वृद्धि करती है। उसके बाद आपका आता है बच्चों परिपक्वन क्षेत्र या रीजन ऑफ मैच्यूरेशन का क्षेत्र, जहां पे कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं, वो परिपक्वन क्षेत्र में पहुंच जाती हैं, और दीर्घीकरण के समीप के क्षेत्र को, जो आपका रीजन ऑफ इलांगेशन है, उसके पास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे कोशिकाएं कैसी होती हैं? यहाँ पे कोशिकाओं का जो काम है वो विभेदित होता है, उनको कौन सा काम करना है ये उनको मिल चुका होता है, और वो कोशिकाएं बिल्कुल मैच्योर होती हैं या परिपक्व हो चुकी होती हैं। इसके बाद आपका पार्ट आता है मूल रोम का, यानी कि रूट हेयर्स का। रूट हेयर्स का क्या काम होता है? मूल रोम दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे के क्षेत्र में इपीडर्मल कोशिकाओं से बने हुए बहुत महीन, नाजुक और धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, मूल रोम, जिन्हें हम रूट हेयर्स के नाम से भी जानते हैं। ये मिट्टी से पानी, अब मूल रोम का काम क्या है, ये मिट्टी से पानी
और खनिजों को मिनरल्स को अवशोषित करने का काम करते हैं, केवल अवशोषित करने का काम करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम मूल रोम के पास नहीं है। दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे के क्षेत्र में इपिडर्मल कोशिकाओं से बने बहुत महीन नाजुक और धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, वो रूट हेयर्स या मूल रोम कहलाती हैं। ये मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं। अब जड़ों में संशोधन भी पाया जाता है, कुछ पौधों में जड़ों को क्या क्या काम दिया गया है। कुछ पौधों में जड़ों को अवशोषण करने के अलावा, यानी कि मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करने के अलावा और चालन के अलावा अन्य कामों के लिए भी क्या कर दिया जाता है, मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स कहलाता है। उदाहरण के लिए खाद्य भंडारण के लिए सूजी हुई जड़ें, यानी कि ऐसी जड़ें जिसमें फूड का स्टोरेज कर दिया गया हो और उन्होंने अपने आप को रूपांतरित कर लिया हो और वो जड़ें कैसी हो गई हों, फूल गई हों, जिसको हम ईटेबल्स के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद आपकी सहारा की जड़ें, जो सहारा लेने के लिए जड़ों के रूप में होती हैं। उसके बाद आपको न्यूमेटोफोर्स या पावांसा जड़ों के बारे में भी पढ़ना है। तो जड़ों में संशोधन में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं खाद्य भंडारण के लिए सूजी हुई जड़ों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, शकरकंद है, शलजम है, गाजर है, मूली है, ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी आपको जो सब्जियां दिखाई पड़ रही हैं, इससे अलग अलग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसको आप वेजिटेबल्स के रूप में भी यूज करते हैं, इसको आप सलाद के रूप में भी यूज करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली जड़ें होती हैं, है ना। लेकिन इनमें ये जड़ें अलग अलग प्रकार की हैं, केवल खाद्य भंडारण के लिए सूज गई हैं, यानी कि आपको मोटी और फूली हुई दिखाई पड़ती हैं। यदि ये फूड इनके अंदर स्टोर ना होता और ये इतनी मोटी ना होती तो ये खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, है ना। इनको हम खाने के लिए यूज करते हैं, सलाद काटते हैं गाजर का, मूली का, शलजम की सब्जी बनती है, या शकरकंद को भी बॉयल करके लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये खाद्य भंडारण के लिए जड़ में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, जहां पे खाद्य भंडारण के लिए सूजी हुई जड़ें जो है वो अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं और वो सूज जाती हैं। अपने आप को रूपांतरित करके जड़ें क्या होती हैं, सूज जाती हैं। इसमें उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो गाजर और शलजम की जो है वो कैसी जड़ें हैं, गाजर की और शलजम की जड़ मूसला जड़। अब क्या आप इसमें पहचान पाए कि सूजी हुई जड़ों में अलग अलग प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। जैसे गाजर की जड़ है वो आपकी मूसला जड़ की कैटेगरी में आती है, है ना। जड़ तंत्र में इसका ये मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है, जिसमें एक मुख्य जड़ है जो जमीन में अंदर की ओर ग्रोथ करती है और उस पर आसपास द्वितीयक जड़ें और पार्श्व जड़ें प्रेजेंट होती हैं। इसी प्रकार से शलजम है वो भी, और आपका शकरकंद अपस्थानिक जड़ों के रूप में पाई जाती है, यानी शकरकंद जो है वो सिंगल कभी नहीं मिलता, शकरकंद जो है वो गुच्छे के रूप में मिलता है और जड़ों पर ये गांठों के रूप में छोटा छोटा, फिर ये फूल करके मोटी मोटी शकरकंद के रूप में बदल जाती है। यानी कि बदल जाने का मतलब क्या है, इसने अपने रूप को बदल लिया, यानी कि ये रूपांतरित हो गई और खाद्य भंडारण के लिए इनका यूज किया गया। उसके बाद सहारा जड़ों की यदि हम बात करें तो जड़ों में संशोधन जब होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में आपने देखा कि सहारा जड़ें जो हैं बरगद के विशालकाय पेड़ को सहारा देने के लिए लटकी हुई जड़ें, इस प्रकार की जड़ें आपकी सहारा जड़ों की कैटेगरी में आती हैं, या इनको हम सहारा जड़ें कह सकते हैं। और पाबांसा जड़ें, ये जड़ें कैसी होती हैं, जैसे आप मक्के की जड़ देख पा रहे हैं या गन्ने की जड़ देख पा रहे हैं, जहां पे आप
अलग अलग टुकड़े, आपको इन जड़ों पर अलग अलग टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, ये अलग अलग टुकड़ों पर आपको ये जड़ दिखाई पड़ती है। तो ये टुकड़े क्या हैं? तने की निचली गांठों से निकलने वाली सहायक जड़ें। तने की निचली गांठों से निकलने वाली सहायक जड़ें जो है वो आपकी जड़ें कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम मक्का की बात करेंगे या हम गन्ने की बात करेंगे, इन दोनों में इस प्रकार की जड़ पाई जाती है जो तने को, लंबे से तने को सहारा देने के लिए निचली गांठों से निकलती है और सहायक जड़ों के रूप में जानी जाती है। उसके बाद ये बहुत स्पेशल टाइप की जड़ें होती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं। ये बच्चों जड़ें जो जमीन से बाहर की ओर निकलती हैं, यानी कि हर प्रकार की जड़ आपने देखी है जो जमीन से अंदर की ओर गति करती हैं, जमीन से अंदर की तरफ ग्रोथ करती हैं, पर कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो जमीन से ऊपर की तरफ क्या करती हैं, जमीन से ऊपर की तरफ गति करते हुए बढ़ती हैं। तो ऐसी जड़ें जो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध काम करती हैं, यानी कि हर प्रकार की जड़ जमीन से अंदर की तरफ ग्रोथ करती है, पर ये जड़ें क्या होती हैं, ये रूपांतरित जड़ें हैं। आवश्यकता के अनुसार इन्होंने अपने आप को बदला है, अपने आप को चेंज किया है। ये जड़ें जो जमीन से बाहर की तरफ निकलती हैं, क्यों? क्योंकि ये जड़ें जिस जगह पे पाई जाती हैं वहां पे दलदली भूमि होती है और ऑक्सीजन की जमीन के अंदर क्या होती है, थोड़ी कमी होती है। तो ये अपने श्वसन की प्रक्रिया के लिए, पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ये लंबवत ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। और इस प्रकार की जड़ें आपकी कहाँ पाई जाती हैं, दलदली क्षेत्रों में उगने वाला राइजोफोरा जो है, एक मैंग्रोव प्लांट के रूप में, इसको हम निमेटोफोर्स कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, और ये आपकी जड़ों का संशोधन का एक स्पेशल रूप है। इस पर एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे कई बार न्यूमेटोफोर्स पे टिप्पणी भी पूछी गई है। तो ये आपका स्पेशल मैंग्रोव प्लांट जो दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ पे जड़ें जो है वो जमीन से बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई पड़ती हैं और सांस लेने के लिए, पौधे स्वयं के सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ये लंबवत ऊपर की ओर बढ़ती हैं। और ये आपका दलदली क्षेत्रों में उगने वाला राइजोफोरा एक मैंग्रोव प्लांट है जो न्यूमेटोफोर्स का सबसे अच्छा उदाहरण है ना। तो इसके बाद बच्चों आपने देखा है ना, तो आपने देखा कि जड़ों के संशोधन में न्यूमेटोफोर्स आते हैं, जड़ों के संशोधन में मक्के की जड़ और गन्ने की जड़ जो तने की गांठों से, निचली गांठों से निकलने वाली होती है, आप इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन आपने कभी क्या सचमुच में इन जड़ों को देखा है? तो आप कोशिश करेंगे, कभी भी गन्ने के पेड़ को देखेंगे, मक्के के पेड़ को देखेंगे, तो उनकी जड़ों पर भी आप ध्यान देंगे। क्योंकि वनस्पति विज्ञान पढ़ते समय आप केवल क्लासरूम में बैठ करके जो चीजें, जो ज्ञान देखते हैं, जो चीजें आप समझते हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिकली अपनी आंख से देखें तो शायद आपको वो चीजें कभी भूलेंगी भी नहीं। तो इसलिए आपको जहां भी मिले वहां पे आप गन्ने की जड़ को जरूर ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से उसमें उनकी गांठों से जो जड़ें निकलती हैं और वो जो है सहायक जड़ें कहलाती हैं। उसके अलावा जड़ों में संशोधन, मॉडिफिकेशन के रूप में बरगद के इतने बड़े विशालकाय वृक्ष को सहारा देने के लिए अपस्थानिक जड़ें कौन सी हैं? वो जड़ें हैं जो पौधे के मूलांकुर के अलावा अन्य भागों से विकसित हो जाती हैं और इसमें आपका अपस्थानिक जड़ तंत्र में सहारा जड़ों में बरगद का पेड़ है जिसके अंदर सहारा जड़ें पाई जाती हैं और ये विशालकाय पेड़ को सहारा देने के लिए लटकी हुई जड़ें कहलाती हैं जो सहारा जड़ों के नाम से भी जानी जाती हैं। खाद्य भंडारण के लिए मॉडिफिकेशन कर लेती हैं, जड़ें सूज जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जैसे शकरकंद में पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट के रूप में मौजूद हो जाता है और गाजर भी फूल कर मोटी हो जाती है, उसके अंदर खाद्य पदार्थ स्टोर हो जाता है, उसी तरह से शलजम भी फूल कर मोटी हो गई है और ये खाने के लिए हमारे उपयुक्त
हो जाती है, जिसमें गाजर और शलजम की जड़ें जो है वो मूसला जड़ की श्रेणी में आती हैं और शकरकंद जो है वो अपस्थानिक जड़ों की श्रेणी में आता है, जो गुच्छे में हमेशा ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद जड़ों को, इसके अलावा और कौन कौन से काम है, अवशोषण यानी कि पौधों में जो पानी की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, और पौधों में जो मिनरल्स की, पोषक तत्वों की, खनिज लवणों की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए जड़ें क्या करती हैं, इन चीजों को अब जमीन से एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं या अवशोषण करने का काम करती हैं, और उनके अलावा अन्य काम करने के लिए उनको मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, जिसके बारे में आपने देखा कि खाद्य भंडारण के लिए सूजी हुई जड़ें होती हैं, और खाद्य भंडारण के लिए सूजी हुई जड़ें होती हैं, उसके अलावा सहारा के लिए भी जड़ें होती हैं, उसके अलावा न्यूमेटोफोर्स के रूप में भी जड़ें आपने देखी। तो जड़ों का जब हम भाग देखते हैं तो हमने देखा कि अलग अलग भाग भी जड़ों में पाए जाते हैं। अब जब इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको केवल ये चैप्टर जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पौधों के बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद आपको इसके अंदर जैसे जीव विज्ञान में आपको बाहरी और अंदरूनी स्ट्रक्चर जंतुओं के बारे में बताया जाता है, उसी तरह से वनस्पति विज्ञान में पौधों के बाहरी और अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताया जाता है, जिसको हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। मॉर्फोलॉजी जो होती है वो बाह्य शरीर की संरचना के बारे में बताता है, और एनाटॉमी जो होती है वो उनकी अंदरूनी शरीर की संरचना के बारे में बताती है, जिसको हम आकारिकी और शारीरिकी के नाम से जानते हैं। तो पुष्पीय पौधों में आकारिकी, पुष्पी पौधों की आकारिकी, ये है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और पुष्पीय पौधों की शारीरिकी, ये है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, आज की क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पौधों की आकारिकी के बारे में आपने देखा कि जो पौधा होता है वो तीन भागों में बटा हुआ होता है। मुख्य रूप से उसमें पांच भाग पाए जाते हैं, जड़, फल, फूल, तने और पत्तियां। अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको डीप पढ़ना है, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। आज आपने पौधों के दो भाग, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र के बारे में जाना, जिसमें जड़ तंत्र के रूप में कौन कौन से प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, जड़ की क्या संरचना होती है और जड़ें किस तरह से अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं, उसके बारे में आपने जाना। अगले सेशन में हम तने और पत्तियों के बारे में भी जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।